हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम आते ही बच्चों को बार बार बीमार होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पोटली जो कि छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्हें हम दवा नहीं दे सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बच्चों की कई सारी परेशानियों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप बच्चे की किस परेशानी के लिए आपको इस पोटली की किस तरीके से इस्तेमाल करनी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पोटली बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक तवा ले लेना है। तवे का टेम्परेचर आपको अपने हाथों से चेक कर लेना है। जब तवा हल्का सा गर्म होने लगे उसके बाद आपको गैस का टेम्परेचर पूरी तरीके से कम कर देना है। इसके बाद इसमें आपको डालना है 2 बड़ा चम्मच अजवाइन। इसके साथ अजवाइन को हल्का भून लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और इसे अच्छे तरीके से तब तक भुनना है जब तक इससे हल्का हल्का सौंधा सौंधा सा स्मेल आना शुरू ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इससे भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए। अजवाइन, लहसुन, कपूर तीनों ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो कि बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम, गैस सभी परेशानियों को दूर करता है। इसके साथ जब ये हल्का हल्का भुन जाए उसमें आपको ऐड कर देना है 4 कपूर और उसके बाद तुरंत आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। कपूर को भुनना नहीं है क्योंकि कपूर जैसे ही गर्म होगा तो वो थोड़ा पिघलना शुरू हो जाएगा। बस आपको डालना है ताकि कपूर हल्का हीट हो जाए और उसके बाद आपको इसे कॉटन के कपड़े में ट्रांसफ़र कर लेना है जिसमें आपको पोटली तैयार करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लें जिससे बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो और एक पोटली बना लें। उसके बाद जब भी आप इस पोटली का इस्तेमाल करें तो पोटली को तवे से हल्का गर्म कर लें, उसका टेम्परेचर अपने हाथों पे चेक करें और उसके बाद बच्चे की सिकाई आपको इससे करनी है। अब हम बात करते हैं कि इसे बच्चे की सिकाई कहाँ करनी है और कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों की सर्दी के लिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे की नाक बंद हो गई है तो इस पोटली को आपको इसी तरीके से तवे पे हल्का गर्म कर लेना है और इस पोटली को बच्चे के तकिए के नीचे या फिर बच्चे को बस इसकी खुशबू जानी चाहिए बच्चे के थोड़े आसपास ही रखें क्योंकि इसकी खुशबू इतनी पावरफुल होती है जो कि बच्चे की बंद नाक को आसानी से खोल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बच्चे को खांसी हो रही है, बच्चा को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, बलगम हो रहा है, खरखर की आवाज़ आ रही है तो इस पोटली को इसी तरीके से गर्म करके इसका टेम्परेचर पहले आपको अपने हाथों पर चेक करना है। उसके बाद इससे बच्चों की चेस्ट की हल्की हल्की सिकाई करनी है। लगभग 5 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि पोटली बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस हल्का गर्म होना चाहिए ताकि बच्चे की इससे सिकाई हो सके। नेक्स्ट है बच्चों की गैस के लिए, क्योंकि अजवाइन जो होता है बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है तो आप इस पोटली का इस्तेमाल, अगर बच्चे को गैस हो रहा है तो भी आप बच्चे की नाभि के आसपास इससे सिकाई कर सकते हो। इससे बच्चों की गैस भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसके साथ ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, बच्चे के इस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपने देखा कि बच्चों की 3, 4, 5 परेशानियों का सिर्फ एक इलाज है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू मॉमीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।